एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज आरुषी'स नोट्स। तो आज हमने पढ़ना है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैंने सारे ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं। तो इसमें हमने टोटल 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने जो पढ़ेंगे इसमें वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कि फूड की कैसे डाइजेशन होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद कैसे एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स की, और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर नंबर 16, ठीक है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं मेन डेफिनेशन बताऊंगी कि डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल एंड द सॉल्युबल वन, उसको कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिससे आप कन्वर्ट करते हो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, उसको कहते हैं डाइजेशन। और ये कैरियर होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग का वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्री कैनाल कराऊंगी और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगर बाई चांस आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं होता डाइजेस्टिव ग्लैंड या सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल ही होता, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर डाइजेस्टिव ग्लैंड करा दूंगी, ठीक है। तो मैं करवाऊंगी एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस से भी मैं आपको सारा करवा दूंगी, ठीक है। तो जो मतलब कि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में बस इतना ही दिया गया है कि पहले डाइजेशन की डेफिनेशन। तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल एंड द सॉल्युबल फॉर्म, उसको कहते हैं डाइजेशन। और ये हमारी बॉडी में होता है बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मैटर, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पास आता है एलिमेंट्री कैनाल और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल शुरू करने से पहले ये एक पिक्चर है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। प्रॉपर एक वेल लेबल डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपरली सारी चीज़ें हैं कि जैसे ओरल कैविटी है, ठीक है, जहाँ से आपका ओरल कैविटी शुरू होता है, फिर माउथ है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी इसोफेगस शुरू होती है, फिर स्टमक है, ठीक है, फिर पैनक्रियाज है, फिर आगे जीजनम है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पोर्शन है, ठीक है। ये प्रॉपर एक कंप्लीट पिक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू होता है कि एलिमेंट्री कैनाल किससे स्टार्ट होता है, विद द इंटीरियर ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं माउथ, ठीक है, एंड फिर वो खुलता है। उस स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, और एंड कहाँ पे होता है, एनस पे। और अब हम माउथ से शुरू करेंगे कि जो माउथ है वो लीड किस पे करता है, लीड टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी, मतलब कि जो माउथ है वो कहाँ पे खुलता है, बकल कैविटी और ओरल कैविटी पे खुलेगा, ठीक है, ओरल कैविटी पे खुलेगा। और जो ओरल कैविटी होती है उसके पास नंबर ऑफ टीथ होते हैं एंड अ मस्कुलर टंग होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ओरल कैविटी होगी, यानी जो मतलब कि माउथ वो खुलता है बकल कैविटी या ओरल कैविटी, तो जो हमारे पास ओरल कैविटी होती है उसके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ होंगे और एक मस्कुलर टंग होगी। और हर एक टूथ जो होगा, अगर वो एम्बेडेड होता है सॉकेट में ऑफ द जॉ बोन, तो ऐसे टाइप ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं थीकोडोंट, ठीक है। तो यहाँ पे ना एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग में ही उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ बताए हैं। तो एनसीईआरटी में सिर्फ जो मेन बताए हैं वो है थीकोडोंट और डाइफेडोंट के बारे में। और अगर आप कोई रेफरेंस पढ़ रहे हो तो उसके अंदर हर एक चीज एक्सप्लेन की गई होगी, ठीक है। तो जैसे मेरे पास रेफरेंस है, आप कोई भी पढ़ सकते हो, प्रदीप भी आती है, ट्रूमैन भी आती है, जैसे आपकी विषय जो आपके आसपास इजीली अवेलेबल है आप वो बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर हम पोजीशन की बात करें, तो वैसे रेफरेंस में एक्रोडोन के बारे में भी आपको बताया गया होगा, प्यूरोडोन क्या होते हैं, थीकोडोन, वो सारा मैं इसमें अभी कवर करवा दूंगी। पर पहले मैं बेसिकली एनसीईआरटी से करवाती हूँ, फिर उसके बाद रेफरेंस, ठीक है। तो हर एक जो माउथ किस में खुलता है, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। और जो बकल कैविटी होती है उसके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ होते हैं, जिसको आप नंबर ऑफ टीथ होते हैं और टंग होती है, ठीक है। और हर एक जो टीथ होता है वो एम्बेडेड होता है इन द सॉकेट ऑफ जो
सॉकेट में एम्बेडेड होता है जॉ बोन, और ऐसे टाइप ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं हम थीकोडॉन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले सारी डेफिनेशन, पहले ऐसे मैं वर्बली बता देती हूँ सारी डेफिनेशन थीकोडॉन डाइफेडॉन के बारे में, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दूंगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो मेजोरिटी ऑफ मैमल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स, वो दो सेट ऑफ टीथ होते हैं उनके पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, एक सेट होता है टेम्प्ररी मिलकर या डेसीडियस टीथ का, जो मिल्क टीथ जिसे आप बोलते हो, फिर वो बाद में आके रिप्लेस हो जाता है बाय अ परमानेंट टीथ, तो ऐसे टाइप ऑफ डेंटिशन को बोलते हैं डाइफेडोंट। ठीक है, तो जो अडल्ट ह्यूमन होते हैं उसके पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जिसमें आपके पास चार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इंसेसर्स के 9 प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट होगा हर एक हाफ एंड अपर लोअर जॉ में, वो ICPPM में होगा, और उसका डेंटल फॉर्मूला होता है ह्यूमन बींग का, वो होता है 2123/2123। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला मैं यहाँ पे अभी लिख देती हूँ। तो बेसिकली जो डेंटल फॉर्मूला होता है ह्यूमन बींग का, ठीक है, वो होता है 2123/2123 ऐसे। ठीक है, और मतलब कि ह्यूमन बींग के पास 32 बेसिकली क्या होते हैं, परमानेंट टीथ। ठीक है, सबसे पहले जो मतलब कि पहले आते हैं आपके पास टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ, वो फिर बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो फिर रिप्लेस हो जाते हैं बाय द परमानेंट टीथ, जो टोटल 32 ही नंबर होते हैं, वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ भी लिख रही हूँ। सबसे पहले जो 4 डिफरेंट टाइप्स होती है वो होती है इंसेंसर्स, ठीक है, कैनन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, और ऐसे टाइप ऑफ अरेंजमेंट को जिसमें आपके पास की पहले मिल्क टीथ आते हैं या डेसीडियस टीथ आते हैं, फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द परमानेंट टीथ, और ऐसे टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइफेडोंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइफेडोंट, एक सेकेंड, डाइफेडोंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है टीथ का, वो किसे बना होता है, इनेमल से। ठीक है, जो फूड को मैस्टिफिकेशन में मदद करता है। ठीक है, मैं ये पहले रब कर दूं इतना, अब मैं ये सारा कुछ रब कर रही हूं। कि जो हमारे पास जो हार्ड सरफेस होता है, मतलब कि जो हार्ड च्यूइंग, द हार्ड च्यूइंग सरफेस जो होगा, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ किससे बना होता है, इनेमल से। ठीक है, जिसको आप, और जो मेस्टिफिकेशन में मदद करते हैं ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद आपके रेफरेंस, जो भी आप कोई रेफरेंस यूज करोगे ना, तो उसके अंदर और भी ज़्यादा मतलब कि बताए जाते हैं अरेंजमेंट टीथ के। ठीक है, जैसे एक्रोडोंट होगा, प्लूरोडोंट हो गया, थीकोडोंट हो गया, बट एनसीईआरटी में सिर्फ दो मेन है, एक है थीकोडोंट, तो मैंने अभी बता दिया, और एक है डाइफेडोंट। ठीक है, तो ये दो हैं बस मेन एनसीईआरटी में, पर अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बताएंगे होंगे, बट बेसिकली मेनली एनसीईआरटी में है थीकोडॉन, कि जिसमें टूथ जो होता है एम्बेडेड होता है सॉकेट में, जो सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, और दूसरा है डाइफेडोंट, जिसमें कि आपके पास जो मिल्क टीथ होते हैं या डेसीडियस टीथ होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं आपके पास परमानेंट टीथ के साथ, जिसको हम बोलते हैं डाइफेडोंट, और वो 32 ही नंबर होते हैं, मैंने डेंटल फॉर्मूला भी बताया। और जो हार्ड सरफेस होता है, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ, उसको हम इनेमल बोलते हो। ठीक है, हाँ, और उसका डेंटल फॉर्मूला 4 टाइप्स, 32 होते हैं, तो उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के आपके पास टीथ होंगे, जैसे कैनन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है, और इंसेंसर्स। ठीक है, बट अगर आपने मतलब कि रेफरेंस से करना है, तो उसमें आपके पास जैसे एक्रोडोंट होंगे, तो एक्रोडोंट वो वाले टीथ होते हैं जो फ्री सरफेस के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे फिशेज हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल हो गया। फिर आता है प्लूरोडोंट, की टीथ जो होगा वो फिक्स होगा लेटर सरफेस ऑफ जॉ रिज, मतलब कि जो टीथ जो होगा वो फिक्स होगा लेटर सरफेस ऑफ जॉ रिज, जैसे फैंग्स ऑफ स्नेक,
स्नेक अगर आपने देखा होगा तो उसके जो दो मतलब कि ऐसे समथिंग उसके जो लेटरल सरफेस होता है ना, यहाँ पे ऐसे करके दो टीथ टाइप बने होते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्लीरोडोंट और थीकोडोंट, मतलब कि वो एम्बेडेड है सॉकेट में और वेल टू वेल रूट्स हैं जैसे मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स। उसके बाद आता है ब्यूनोडोंट की स्मॉल और ब्लंट और राउंडेड कस्प पे वो होंगे, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। उसके बाद लोफोडोंट होगा कि इंटरक्रेट फोल्डिंग ऑफ एनेमल और डेंटाइन प्रेजेंट होता है, और कब जो कस्प होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट ट्रांसवर्स रिजेस के साथ, जैसे है इसका एग्जाम्पल एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद है सिलेनोडोंट की वर्टिकल क्रेसेंट शेप्ड कप्स होंगे हार्ड एनेमल के, जो सॉफ्टर एरिया और डेंटाइन को कवर कर रहे हैं जैसे शीप या कैटल। और फिर आते हैं सिकोडोंट या पॉइंटेड कस्प जिसमें है कार्निवोर। ठीक है, बस इतने ही एग्जाम्पल हैं रेफरेंस में जो मुझे पता है अभी तक, जैसे एक्रोडोंट है प्लूरोडोंट थीकोडोंट ब्यूनोडोंट लोफोडोंट सिलेनोडोंट एंड सिकोडोंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टंग, क्योंकि माउथ, फिर बकल कैविटी, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर हमने पढ़े टीथ, टीथ में हमने पढ़ा डिफरेंट अरेंजमेंट कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ जैसे थीकोडोंट डाइफेडोंट। ठीक है, उसके बाद हमने कौन से पढ़े, एक्रोडोंट पढ़ा, अभी प्लूरोडोंट पढ़ा, ठीक है ब्यूनोडोंट पढ़ा, थीकोडोंट पढ़ा, सिलेनोडोंट पढ़ा, ठीक है सिकोडोंट पढ़ा, उसके बाद आ जाता है टंग। ठीक है, क्योंकि ओरल कैविटी में टीथ एंड टंग होंगे। ठीक है, तो जो टंग होता है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होगा जो फ्लोर के साथ अटैच होता है ओरल कैविटी से बाय द फ्री नलम। ठीक है, कि जो टंग है, अब टंग के बारे में है कि जो टंग होता है वो फ्रीली मस्कुलर ऑर्गन होगा। ठीक है, टंग इज अ फ्रीली मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हाँ फ्रीली मूवेबल, टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, जो अटैच जो होता है आपके पास ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, जो अटैच होता है फ्लोर, कहाँ पे अटैच होता है, मस्कुलर अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी एंड किससे ये अटैच होता है, अटैच बाय द फ्री नलम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अपर सरफेस होता है ना टंग का, उसके पास होते हैं पेपिले। ठीक है, जो अपर सरफेस होता है टंग का उसके पास क्या होते हैं, पेपिले। ठीक है, और ये जो पेपिले होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के पेपिले होते हैं ये, एंड ये टेस्ट बर्ड्स में काम करते हैं कि जैसे आप कोई भी चीज खाते हो तो आपको टेस्ट कैसे पता लगता है कि उसमें ये चीज ये टेस्ट है, या सॉल्टी टेस्ट है, या खट्टा थोड़ा टेस्ट आ रहा है, या मीठे का थोड़ा टेस्ट आ रहा है। तो इसके कारण होता है क्योंकि हमारे पास जो उसके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं या उसकी टंग ऊपर सरफेस पे प्रोजेक्शन होती है जिसको आप बोलते हो पेपिले, जो टेस्ट बर्ड्स बेयर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पेपिले होंगे इसके पास होते हैं, जैसे टोटल 4 टाइप्स के पेपिले होंगे, 4 टाइप्स के पेपिले होते हैं टंग में। सबसे पहले होता है फिलीफॉर्म पेपिले। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड प्यूनिफॉर्म पेपिले, फॉलेट पेपिले, तीसरा, टोटल 4 टाइप्स के पेपिले प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग पे। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज योर सर्कमविलेट पेपिले। ठीक है, जो फ्यूजीफॉर्म पेपिले होगा वो सबसे छोटा होता है साइज में और सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, और इसके पास कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। और जो फ्यूजीफॉर्म पेपिला होता है वो रेड डॉट्स होते हैं टंग में, जैसे रेड रेड डॉट्स टंग में आपको दिखते हैं तो वो वही है, और उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और जो फॉलिएट पेपिले होते हैं वो एबसेंट होते हैं मैन में, और जो सर्क्यूविलेट पेपिले होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं साइज में, नॉब लाइक होते हैं, और उनके पास भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग के मतलब कि टेस्ट है, जैसे जो आपकी टिप होगी टंग की वो क्या आपको टेस्ट कराएगी कि स्वीट। ठीक है, और जो टिप्स और साइड्स होंगी, अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो तो जो टिप्स और साइड्स क्या टेस्ट कराएंगे आपको, सॉल्ट की, क्योंकि अगर आप सॉल्ट वाली चीज खा रहे हो
तो जो आपके टिप्स एंड साइड्स हैं वो आपको बता देंगे कि सॉल्ट है खाने में, ठीक है, और जो साइड्स होंगे वो आपको बताएंगे कि सौर है, खट्टा है, जो भी आप कोई चीज खा रहे हो, और जो बेस होता है वो बताती है बिटर की, जो आपका बेस होगा डंगा वो बताएगा बिटर की आप जो चीज खा रहे हो वो कड़वी है, और कोई टेस्ट बड, जब आप मिर्चें भी खाते हो या चिलीज भी खाते हो तो कोई टेस्ट बड है ही नहीं हमारे टंग में टेस्ट करने के लिए चिलीज, उसकी बर्निंग सेंसेशन इतनी ज़्यादा होती है तो वो स्टिमुलेट करती है हमारे पेन रिसेप्टर, इसके लिए आपको लगता है कि जल रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया टंग के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा माउथ, माउथ में आता है ओरल कैविटी, बकल कैविटी, ठीक है। बकल कैविटी के अंदर होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ एंड टंग, टीथ हमने डाइफेडोंट, थिकोडोंट, प्लूरोडोंट, ठीक है, लोफोडोंट, ब्यूनोडोंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा टंग, टंग में हमने पढ़े पैपिला, ये सारे पैपिला पढ़े इसके बारे में कि ये सबसे छोटा है साइज में, अबंडेंट है, कोई टेस्ट बर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट था फ्यूजीफॉर्म कि ये फंजीफॉर्म कि ये अब रेड डॉट से पेयर होते हैं और इसके बाद टेस्ट बर्ड्स हैं। फिर फॉलिएट का पढ़ा, सर्कुलेट का पढ़ा और ये डिफरेंट एरिया स्ट्रिप्स के टंग के जो हमें बताते हैं कि कैसा टेस्ट है किसी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद टंग के बाद आता है तो जो ओरल कैविटी होती है, अब कि टंग के बाद क्या आता है फैरिंग्स। देखो ये आपके पास क्या है माउथ, ठीक है, माउथ के बाद यहाँ पे होगा ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर आपके पास क्या है टीथ है, टंग है, उसके बाद क्या आ गया फैरिंग्स, ठीक है, ये एरिया क्या हो गया फैरिंग्स का, ठीक है। तो जो ओरल कैविटी लेट करती है फैरिंग्स, जो एक कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, और फिर उसके बाद आता है एसोफेगस, ठीक है। उसके बाद फैरिंग्स के बाद क्या आ गया एसोफेगस, ठीक है। जो एसोफेगस और हमारे पास ट्रेकिया जो होता है वो ओपन होता है इनटू द फैरिंग्स, ठीक है। तो मतलब कि कहने का कि फैरिंग्स और एसोफेगस है ना, तो यहाँ पे इकट्ठा है जो एसोफेगस है और जो ट्रेकिया जिसको आप बोलते हो विंड पाइप, मतलब कि जो एसोफेगस और आपका जो विंड पाइप है वो इकट्ठा मतलब कि फैरिंग्स से आता है, ठीक है। तो वहाँ पे कार्टिलेजन फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, हाँ फैरिंग्स लीड करेगा, हाँ फैरिंग्स लीड करते हैं एसोफेगस में। तो और मतलब कि जो एसोफेगस और जो ट्रेकिया यानी जो विंड पाइप है, ठीक है, वो खुलती है फैरिंग्स पे, ठीक है, वो किस पे खुलेगी फैरिंग्स पे, ठीक है। तो वहां पे एक कार्टिलेजन फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हो एपिग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करेगा कि एंट्री ऑफ फूड की वो विंड पाइप पे आप जो खाना खा रहे हो वो ना चला जाए। तो क्या अभी मैंने बताया कि एक कार्टिलेजनस फ्लैप प्रेजेंट होता है एसोफेगस पे, ठीक है, एक कार्टिलेजनस फ्लैप प्रेजेंट होता है एसोफेगस पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लॉइटिस, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है कि फूड आपका जो आप खा रहे हो विंड पाइप पे ना चला जाए, ठीक है, प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू द विंड पाइप, ठीक है। उसके बाद जो एसोफेगस होती है फिर वो एक्सटेंड करती है लॉन्ग ट्यूब में, जो फिर नेक से पास करेगी थॉरेक्स एंड डायफ्राम और खुलता है एक जे बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टमक, ठीक है, ये एसोफेगस है, ठीक है। एसोफेगस किस में खुलेगा स्टमक में, ठीक है, स्टमक हो गया। उसके बाद हमारे पास हाँ तो एक मस्कुलर स्पिंटर होता है गैस्ट्रो एसोफेगस, जो रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू द स्टमक, मतलब कि जैसे एसोफेगस स्टमक में खुलेगा तो वहाँ पे एक स्पिंटर होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंटर, जो रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू द स्टमक। और जो स्टमक होता है वो अपर लेफ्ट पोर्शन में रहता है आपके पास एब्डोमिनल कैविटी के, जिसके थ्री पार्ट्स होते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं ये सारा पहले रब कर रही हूँ। ठीक है, तो जो हमारे पास बेसिकली क्या है कि जो स्टमक है,
ठीक है। जो स्टमक होता है उसके थ्री पार्ट, जो स्टमक होता है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि स्टमक के आपके पास थ्री पार्ट्स होंगे, ठीक है। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। सबसे पहले आता है कार्डिक कार्डिक पोर्शन, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है, फंडिक पोर्शन, ठीक है। और तीसरा क्या आता है आपके पास, तो हमारे पास थ्री पार्ट्स होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पिलोरिक, ठीक है। तो स्टमक इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, कार्डिक, फंडिक एंड पिलोरिक, ठीक है। और जो कार्डिक पोर्शन होता है, कार्डिक वो पोर्शन है जिसमें एसोफेगस ओपन होती है। तो कार्डिक इज दैट पोर्शन जिसमें एसोफेगस ओपन होती है, पोर्शन इनटू व्हिच एसोफेगस ओपन, ठीक है। और फंडिक क्या पार्ट होगा, अ रीजन, फंडिक रीजन एंड पिलोरिक पोर्शन होगा जो सबसे पहले खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये दोनों पोर्शन किसमें सबसे पहले खुलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्टमक के थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्डिक, फंडिक एंड पिलोरिक। तो कार्डिक वो वाला पोर्शन होगा जिसमें सबसे पहले एसोफेगस खुलेगी, ठीक है, ओपन करेगी, ठीक है। और फंडिक एंड प्लोरिक वो वाले पार्ट्स होंगे जो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कितने में डिवाइडेड है, एक सेकेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड है तीन रीजन्स में, ठीक है। यू शेप्ड ड्यूडेनम में, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजनम में, और हाईली कॉइल्ड इलियम में, ठीक है। जो ओपनिंग होगी स्टमक की इनटू द ड्यूडेनम की स्टमक, अब जो ड्यूडेनम पोर्शन में जो खुलेगा वो गार्ड होता है बाय द पिलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स लिख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो खुलेगा ड्यूडेनम, थ्री पार्ट्स होते हैं उसके पास, ड्यूडेनम, इलियम, ड्यूडेनम सॉरी जेजनम एंड इलियम। ठीक है, तो जो हमारे पास बेसिकली क्या है कि जो ओपनिंग होती है स्टमक की इनटू द ड्यूडेनम वो गार्ड की जाती है बाय द पिलोरिक स्फिंक्टर, और इलियम खुलता है फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इलियम किसमें खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं थ्री पार्ट, सीकियम, कॉलन एंड रेक्टम, ईशियम, कॉलन एंड रेक्टम, ठीक है। एंड सीसीएम जो होता है वो एक ब्लाइंड सैक होता है जो सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट करेगा, और वहाँ पे नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। और जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो कहाँ से राइज होता है, सीसीएम से ही। और ये जो सीसीएम है ओपन होती है कॉलन में, और कॉलन फिर फर्दर डिवाइडेड होती है थ्री पार्ट्स में, ठीक है। कॉलन इज डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट्स, नॉट थ्री, सॉरी थ्री ही, असेंडिंग, कॉलन डिवाइडेड इन टू पार्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पोर्शन, ठीक है। तो कॉलन इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पोर्शन। और जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो फिर खुलता है रेक्टम में, और फिर खुलता है वो आगे जाके एनस में। और जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, वो क्या फॉर्म करती है, वो फॉर्म जो वॉल होगा एलिमेंट्री कैनाल का एसोफेगस से रेक्टम में पोजेस करती है चार लेयर्स जिसको हम बोलते हैं सिरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, छोटा ही पोर्शन है, उसके आगे फिर मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड भी करवा दूंगी, ठीक है। और जो हमने आज सारा पढ़ा, आज हमने पढ़ा डाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले डाइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो उसके बाद हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल खुलता है सबसे पहले माउथ में, माउथ फिर आगे जाके ओपन होता है बकल कैविटी, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर होते हैं नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, और टंग।
ठीक है। और जो मतलब कि टूथ होगा अगर आपके पास एम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ सॉकेट में ऑफ जॉ बोन, उस अरेंजमेंट को कहते हैं थीकोडोंट। एंड जब आप छोटे होते हो तो आपके पास मिल्क टीथ आते हैं, वो फिर जब वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द परमानेंट टीथ, उसको हम बोलते हो, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइफेडोंट। और 32 होते हैं ये, और 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, सेंचर्स, कैनिन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा डेंटल फॉर्मूला, फिर उसके बाद हमने पढ़ा टंग। टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच होता है आपके पास बकल कैविटी के पास, ठीक है। एंड वो फेरेनम फेरेनलम से अटैच होगा, और जो अपर सरफेस होते हैं वो पैपिला बेयर करते हैं। उसके बाद मैंने आपको 4 तरीके के पैपिला बताए और एरियाज बताए कि किन किन टंग के किन किन एरिया से आपको कौन कौन से टेस्ट मिलते हैं। और फिर ओरल कैविटी खुलती है आपके पास फेरिंग्स में, जो एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। और फिर उसके बाद होता है इसोफेगस और ट्रेकिया, ठीक है। दोनों लाइन में फूड पाइप एंड विंड पाइप खुलती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के पास होता है कवरिंग फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। और फिर एसोफेगस खुलता है हमारे पास स्टमक में, स्टमक 3 पोर्शन पे डिवाइडेड होगा। तो जब एसोफेगस स्टमक में खुलेगा वहाँ पे होता है एक स्पिंटर जो उसके मूवमेंट को रेगुलेट करता है। स्टमक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्डिक, फंडिंग एंड प्लोरिक। कार्डिक पोर्शन होगा जिसमें मतलब कि एसोफेगस खुलेगी, फंडिंग एंड प्लोरिक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। और जो ओपनिंग होगी स्टमक इनटू द ड्यूडेनम वो गार्ड करता है प्लोरिक स्पिंटर। और उसके बाद आता है इलियम, इलियम खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के पास होता है सीकियम कॉलम एंड रेक्टम। सीकियम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होगा जो सिम्बियोटिक माइक्रोगैनिज्म होस्ट करेगा, और उसके पास नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होती है, और यहाँ से वेस्टिजियल ऑर्गन निकलता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और फिर उसके बाद सीजियम खुलता है कॉलन में, कॉलन में होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पोर्शन। और फिर उसके बाद डिसेंडिंग पार्ट खुलता है रेक्टम, और फिर उसके बाद होता है एनस, उसके बाद है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो को अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी मिलता है देन प्लीज डू लाइक, इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषियस नोट्स। एंड अगेन आई सेइंग दैट कि आप प्लीज मेरे जल्द से जल्दी 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है मेरे इस वीडियो में या पिछले वीडियो में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषियस नोट्स। बाय एंड थैंक यू।